बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। खड़कवासला डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डैम से पानी छोड़ने से एकता नगर में बाढ़ के हालात हैं। सिंगड़ का एकता नगर बाढ़ के पानी के चलते जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में करीब 5 फीट तक पानी भरा है। लोगों के घरों में रखा सामान पानी के चलते खराब हो गया। सेना के 90 जवान और एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिजली नहीं है इलाके में। ग्राउंड फ्लोर की दुकानें बंद हैं। मकानों से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीर जो है वो पुणे के सिंहगढ़ रोड की एकता नगर की है और आप ये तस्वीर देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क में लगी हुई है। गाड़ियाँ जो हैं वो आधे से ज्यादा अब डूब चुकी हैं। सुबह इसी इलाके की तस्वीर थी जब गाड़ियों के छत तक पानी था। यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल जो है पूरी तरीके से डूब चुकी है। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन विनायक आपको तस्वीर दिखाएं कि जो 2-व्हीलर है वो कैसे पूरी तरीके से डूब चुकी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी जो सीट है वो दिखाई दे गई है। सिर्फ टेल लाइट दिखाई दे गई है। इलाके के जितने जो ग्राउंड फ्लोर की जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। ग्राउंड फ्लोर में जितने जो लोग रहते थे उन्हें खाली करा दिया गया है। उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। लोग अपने अपने घरों में ऊपर देखिए कैद हैं। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल से वो नीचे के जो मंजर है वो देख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसा मंजर शायद ही कभी देखा होगा। लगातार जो है पुणे में बरसात हो गई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस बरसात के बीच में यहाँ पर एकता नगर में बाढ़ जैसे हालात जो है वो निर्माण हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम दिखाई दे गई है। खासतौर से इंडियन आर्मी को यहाँ पर तैनात किया गया है और ये भी बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की भी एक टीम वो स्टैंड बाय पे रखी गई है। अगर जरूरत पड़ने पर उन्हें जो लोग जो यहाँ फंसे होंगे उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये इस सिचुएशन पे नजर बनाए रखे हुए हैं। इससे पहले अजीत पवार ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुणे पुलिस के कंट्रोल रूम का जायजा लिया था। इस इलाके में भी वो आए थे। यहाँ पर एनडीआरएफ की आपको एक बोट दिखाई देगी जो खड़ी है एक स्टैंड बाय पे कि अगर कोई फंसता है किसे मदद की जरूरत है किसे बाहर निकालना है तो वो उसके लिए बाहर निकाल सकेंगे। आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए अभी से ही यहाँ पर तकरीबन जो है कमर तक पानी अब ये छूने के लिए आ चुका है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा यहाँ पर प्रशासन का ये अनुमान है मौसम विभाग का अनुमान है कि ये जो पानी है ये 10 फीट तक ऊपर बढ़ सकता है यानी कि पहली मंजिल तक ये पानी जा सकता है। और अगर ये पहली मंजिल तक पानी जैसे कि आज सुबह गया था वैसे अगर जाता है तो ये पूरा इलाका जो है जलमग्न होगा। ये तमाम गाड़ियां ये दुकानें ये बाइक ये सब कुछ पानी के नीचे होगा। सड़क तो अभी ही नदागत है। सड़क यहाँ पर दिखाई तक नहीं दी गई और ये हालात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में मुश्किलें कितनी हैं। जल प्रलय किस तरीके से अपना कहर बरपा रहा है। हर तरफ आपको यहाँ पर सिर्फ जल प्रहार दिखाई देगा। आसमानी आफत अभी तक टली नहीं है क्योंकि अगले कुछ घंटे और ज्यादा संकट के हो सकते हैं और लोगों से सतर्क और सचेत रहने की हिदायत दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ राकेश त्रिवेदी पुणे टाइम्स नाउ नवभारत।